1965 की लड़ाई में भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पाकिस्तान के पास अत्याधुनिक टैंक थे, लेकिन भारतीय सेना का हौसला बुलंद था। सियालकोट सेक्टर में भारतीय सेना जीतते हुए पाकिस्तानी धरती पर आगे बढ़ती जा रही थी, और वहां मिल रही कामयाबी के सबसे बड़े नायक थे लेफ्टिनेंट कर्नल आर्दिशर बुरजोरजी तारापुर। सीमा के दूसरे हिस्सों की तरह पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में भी जबरदस्त जंग जारी थी। ग्यारह सितंबर 1965, पाकिस्तान का फिलौरा इलाका, यहां भारतीय सेना के 17 हॉर्स रेजिमेंट आगे बढ़ रही थी। यहां हुई जंग को आगे नाम दिया गया बैटल ऑफ चाविंडा। दक्षिण से हमले की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशर बुरजोरजी तारापुर के हाथ में थी। फिलौर और चाविंडा के बीच कर्नल तारापुर की टुकड़ी पर वजीर वली से भारी संख्या में दुश्मन ने हमला कर दिया। कम संख्या में होने के बावजूद तारापुर और उनकी रेजिमेंट ने मैदान नहीं छोड़ा। उन पर दुश्मनों के टैंक और आर्टिलरी ने बेतहाशा हमले शुरू कर दिए। उनके टैंक पर भी कई निशाने लगे थे, वो खुद घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। तेरह सितंबर 1965 को तारापुर ने अपनी रेजिमेंट के साथ वजीर वली पर चढ़ाई कर दी। गए, लेकिन लड़ाई जारी रही। 16 सितंबर को चाविंडा की लड़ाई में तारापुर बुरी तरह घायल हो गए। उनके टैंक को भारी नुकसान हुआ, लेकिन तारापुर और उनकी रेजिमेंट के इस हमले के चलते पीछे से आ रही भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ियों ने काफी सफलता हासिल कर ली। युद्ध के दौरान तोप का एक गोला तारापुर के टैंक पर गिरा, उनका टैंक आग में घिर गया। इस हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल आर्दिशर बुरजोरजी तारापुर शहीद हो गए। चविंडा की जंग में तारापुर और उनकी रेजिमेंट ने 6 दिन तक दुश्मनों से लोहा लिया था। तारापुर की लीडरशिप से प्रेरित होकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन के 60 टैंक बर्बाद कर दिए, जबकि भारत के सिर्फ 9 टैंक बर्बाद हुए थे। परमवीर लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशिर बुरजोरजी तारापुर को पूरा देश सलाम करता है।